Assalamu alaikum friends, how are you? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन आवर एनवायरनमेंट रिटन बाय फ्रैंक एस कारपिटी और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इस लेसन का एसे पार्ट वन. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. द अर्थ वाटर एंड एयर वंस टेकन फॉर ग्रांटेड एज अ सॉर्ट ऑफ स्कैनिक बैकड्रॉप फॉर द ह्यूमन ड्रामा कि ज़मीन पानी और हवा अगर इंसानी एक किस्म के इंसानी ड्रामे में जो अगर हम उसके कुदरती पसे मंज़र के तौर पर इसको लें हैव ऑल बिकम एरियाज ऑफ इंटेंस डिस्कशन एंड वरी तो ये सब कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा बहस और परेशानी का दायराकार बन गए हैं. यानी कि ये चीज़ें जो हैं ज़मीन पानी और हवा ये आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन गए हैं. In the 1950s, only a few alert scientists were predicting our present despair over what mankind is doing to the earth. के 1950 की दहाई में सिर्फ चंद जो अलर्ट साइंटिस्ट मीन्स चौकस जो साइंसदान थे उन्होंने हमारी जो अब ये मौजूदा जो मायूसी है इस पर कुछ पेशेंट गोई कर रहे थे. प्रीडिक्टिंग कुछ पेशेंट कोई कर रहे थे बता रहे थे कि आगे ये सब कुछ होगा. रिसोर्सेज सीम्ड अनलिमिटेड वसाइल गैर महदूद मालूम होते थे. द एयर वाज फ्रेश एंड क्लीन हवा ताज़ा और साफ थी. एंड रिवर्स एंड ओशंस वर सीन एज एलिमेंट्स टू बी हार्नेस्ड फॉर पावर एंड यूज टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट और दरिया और समंदर जो हैं वो अनासिर समझे जाते थे फितरत कुवत को काबू में लाए जाने के लिए और कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने लगाए जाने के लिए दरिया और समंदरों का इस्तेमाल किया जाता था. बट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम लेकिन मुख्तसरन बहुत ही कम वक्त में वी हैव सीन द थ्रेट ऑफ अ शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ नेचर अवे फ्रॉम इट्स साइकिल ऑफ अ यूज एंड रिन्यूअल टू वन ऑफ अब्यूज डिके एंड इफ वी आर नॉट केयरफुल ग्रेजुअल कोलैप्स के बहुत ही थोड़े वक्त में हमने फितरत का जो तवाज़ुन है बैलेंस ऑफ नेचर फितरत का जो तवाज़ुन है उसको क्या किया है उसको हमने एक इस्तेमाल करके मतलब तब्दीली की जो हमने धमकी अपने लिए पैदा कर ली है और हमने जो चीज़ें ख़राब कर दी हैं अगर हम इसी तरह से मोहतात ना हुए केयरफुल ना हुए तो क्या होगा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम क्या हो जाएंगे बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे यानी कि तबाह हो जाएंगे. आवर एनवायरनमेंट इज़ नाउ अ सोशल प्रॉब्लम नॉट जस्ट प्रॉब्लम फॉर द साइंसेस कि हमारा माहौल जो है वो अब एक समाजी मसला है ना कि सिर्फ साइंसों के लिए मसला है. With huge increases in air, water and land pollution in the past quarter century के एक गुज़श्ता जो चौथाई सदी में हवा पानी और ज़मीन में जिस कदर हमने ज़्यादा huge increases बड़े बड़े इजाफे कर दिए हैं the world we now live imposes problems of health and welfare for a large portion of the population तो ये जो दुनिया जिसमें अब हम रह रहे हैं आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए सेहत और वेलफेयर बहबूद के जो मसाइल है वो पेश कर रहा है. अ डर्टी लेक और रिवर नॉट ओनली अफेक्ट्स दोज हु लिव नियर इट के एक गंदी झील या दरिया ना सिर्फ उन लोगों को मुतासिर करते हैं जो उसके करीब रहते हैं बट इट आल्सो अफेक्ट द एंटायर एकोस्फेयर लेकिन ये तमाम माहौल को मुतासिर करते हैं. नेचर्स रिदम्स जो हमारी फितरत के उतार चढ़ाव हैं उसको मुतासिर करते हैं एंड साइकल्स और फितरत के जो दायराकार हैं उसको मुतासिर करते हैं एंड द फ्यूचर फंक्शनिंग ऑफ अ मैन और एक इंसान की जो मुस्तकबिल की कारकर्दगी है उसको भी मुतासिर करते हैं. अ थ्रेटेंड एनवायरनमेंट लाइक अ वीक हाउस क्लोज टू क्रम्बलिंग के माहौल की जो धमकी है वो बिल्कुल ही एक कमज़ोर घर की तरह होती है जो कभी भी गिर सकता है.
या गिरने के करीब है. पुट्स मैन इन अ प्रीकैरियस पोजीशन, जिसने इंसान को एक बहुत ही गैर यकीनी हालत में डाल दिया है. द मोर ही प्रोड्यूस गुड्स दैट डू नॉट फिट इन टू द नेचर साइकल्स, जिस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अशिया पैदा करता रहेगा जो कि इस हमारे नेचर साइकिल यानी कि फितरत के माहौल में पूरी नहीं आएंगी. DDT फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर DDT, द मोर ही पल्यूट्स एंड थस अंडरमाइंस हिज ओन हेल्थ एंड वेल बीइंग. तो इस तरह की चीज़ें जो माहौल में फिट नहीं आएंगी, वो जितना ज़्यादा गंदा करता रहेगा, जितना ज़्यादा आलूदा करता रहेगा, और इसी तरह से ख़ुद ही वो अपनी सेहत को और अपनी बहबूद को कमज़ोर करता है नई नई अशिया पैदा करके. बायोलॉजिस्ट रेफर टू द इंट्रिकेट वेब ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट दे शेयर एज द इकोसिस्टम, के जो माहिरीन हयातियात हैं वो तमाम वो एक जाहिर करते हैं एक गहरा रिश्ता, मतलब एक पेचीदा ताल्लुक पेश करते हैं किसके दरमियान, बिटवीन ऑल लिविंग थिंग, तमाम जानदार चीज़ों और फिज़िकल एनवायरनमेंट और जिस्मानी माहौल के दरमियान दे शेयर एज द इकोसिस्टम, जिसे वो इकोसिस्टम के ज़रिए आपस में बांटते हैं. इकोसिस्टम यानी कि अमल और रद्द अमल. इट हैज़ बीन शोन डैट ईच लिविंग थिंग प्लेज़ अ पार्ट इन द इकोसिस्टम, और ये माहिरीन हयातियात हमें ये जाहिर करते हैं, ये दिखाया गया है उन्होंने कि हर जानदार जो है प्लेज़ अ पार्ट, वो एक किरदार अदा करता है इकोसिस्टम यानी कि इस अमल और रद्द अमल में. जैसे कि देयर इज़ अ फूड चेन, एक खुराक की जंजीर, इन विच ऑर्गेनिज़म दैट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, के एक जानदार जो कि अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं, किस तरह से यूजिंग द सन्स एनर्जी, शमसी तवानाई इस्तेमाल करके, वो कौन से जानदार हैं, ग्रीन प्लांट्स, सब्ज पौधे, आर ईटन बाय स्मॉल एनिमल्स, और वो पौधे कौन खा लेता है, वो पौधे छोटे जानवर खा लेते हैं, विच इन टर्न आर ईटन बाय लार्ज एनिमल, जिनको बारी आने पर बड़े जानवर छोटे जानवर को खा लेते हैं. द फूड टेक्नोलॉजी चेन इज क्लोज बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, विच डिकम्पोज द वेस्ट एंड इवेंचुअली द डेड बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, रिटर्निंग यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट्स, के खुराक का द फूड टेक्नोलॉजी चेन, के खुराक की टेक्नोलॉजी का सिलसिला जो है क्लोज बाय, वो बंद हो जाता है बैक्टीरिया, जरसूमें और फंगी यानी कि फंगस वगैरह, विच डिकम्पोज द वेस्ट, जो क्या करते हैं, कूड़ा क्रिकेट वगैरह को अलग करते हैं, एंड इवेंचुअली और आहिस्ता आहिस्ता डेड बॉडीज़ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदारों के जो मुर्दा अजसाम हैं, या रिटर्निंग यूजफुल न्यूट्रिएंट्स वो और पौधों के इस्तेमाल के लिए वो मुफीद तब्दीलियां करके उसमें वापस लौटते हैं. ईच एलिमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस गोस थ्रू साइकिल ऑफ यूज एंड रीयूज, के हर जो अंसर है वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. जिस तरह से कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो इस्तेमाल, यूज़ एंड रीयूज़ यानी कि इस्तेमाल और दोबारा इस्तेमाल के चक्रों में से गुज़रते हैं. ऑल्दो एट सर्टेन पीरियड्स इन द साइकिल इफ़ द एलिमेंट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज़, इट इवेंचुअली री एंटर्स द साइकिल, के अगर जो ये अंसर है इस्तेमाल के लिए अंसर अगर दस्तियाब नहीं होता तो ये क्या होता है, अंजाम कार के चक्कर में दोबारा दाखिल हो जाता है. पॉपुलेशन ऑफ ऑल एनिमल्स इन द इकोसिस्टम आर एडजस्टेड थ्रू नेचुरल फोर्सेस, के जो आबादी है तमाम जानवरों की इकोसिस्टम यानी कि अमल और रद्द अमल में, वो क्या होता है, एडजस्ट होती है यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मवाफिक होती है नेचुरल फोर्सेस, कुदरती जो ताकतें हैं उसके ज़रिए, सच एज डिजीज़ एंड प्रीडेशन टू अ
size in keeping with the food supplies the environment can provide. کہ جتنی بھی ہمارے معاشرے اور اس کے ماحول میں جو عمل اور رد عمل کے نظام میں تمام جو جانوروں کی قدرتی قوتیں جیسے کہ بیماریوں کے ذریعے اور انہیں موافق بنایا جا رہا ہے خوراک کی فراہمیوں کی جسامت کے مطابق جو ماحول مہیا کیا جا سکتا ہے یا فراہم کر سکتا ہے تو فرینڈز یہاں پر ہمارا پارٹ ون کا اینڈ ہوتا ہے اس لیسن کا باقی پارٹ آپ اس سے نیکسٹ ویڈیو پارٹ ٹو میں پڑھیں گے